हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग 5.6 तक तो हो ही गया था, उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टडी करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। और इस एक्सरसाइज में सेकंड डेरिवेटिव के रूल्स हैं। 5.7 की एक्सरसाइज में क्या है? सेकंड डेरिवेटिव रूल्स। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि एक बार आप डिफ्रेंशिएशन कर दें, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन जो करते हैं उसी को सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर बोला जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कोई फंक्शन है जो वन टाइम अब आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा? dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसका एफ एक्स डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन का मतलब डी बाई डी एक्स होता है, ये ऐसे ठीक। और यहाँ तो सिर्फ आपको या डबल डैश एक्स लिख देना है, कोई और दिक्कत नहीं। तो अब ये जब इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो ये होता है सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ये डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर की है। कहने का मतलब जब भी मान लीजिए आपको एन ऑर्डर में करना हो तो क्या करेंगे? फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, फिर आगे करेंगे। तो आपको और भी ऑर्डर में डिफरेंशिएशन की नीड पड़ेगी, मैक्सिमम एंड मिनिमा में भी है और आगे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, उसमें भी जगह जगह पर जरूरत पड़ती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसकी इसके कुछ एप्लीकेशन दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब एन ऑर्डर में डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि आप जहाँ तक स्टेप पहुँचे उसके आगे डिफरेंशिएशन अगेन करें, ठीक है। तो अब इसको तो वाई कहते हैं, इसको कभी कभी वाई वन भी कहा जाता है। मान लीजिए बुक में लिखा है वाई वन, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। अगर बुक में लिखा है वाई टू तो वाई टू का मतलब ये है सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये है इसका रूल और बाकी और कुछ इसमें नहीं है। अब आप लोग आएंगे एक्सरसाइज 5.7 को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन है और इसको आप देखिए बहुत आसानी से कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3। बस यहाँ लिखेंगे फिर से अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 आपको मिल जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1-11 तक आसान ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखिए। तो यहाँ भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, चेन रूल लगाइए, दो फंक्शन है लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन लॉग एक्स, है ना, इस लॉग का, फिर इस लॉग एक्स करेंगे 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन में हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स लिख दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका जब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको कोसेंट रूल लगाना होगा ना, तो डी टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एक्स लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस न्यूमरेटर
इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, यहाँ प्रोडक्ट रूल आपको लगाना होगा क्योंकि दो फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसको आप आसानी से समझ सकते हो क्या आ रहा है, माइनस एक्स एक्स कट ही जाएगा, क्या आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आसानी से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बढ़िया है क्योंकि इसमें वर्ड है, थोड़ा पढ़िए समझिए फिर आंसर दीजिए, कहीं थोड़ा जल्दबाजी कर दिए ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर तो निकालिए ही बट किस में, इन टर्म्स ऑफ वाई एलोन। ठीक, ये ध्यान देने की बात है। तो अगर ये इनवर्स टर्म लिखा गया है तो हम इसको लिख सकते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी से एक्स इक्वल टू कॉस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, एक्स इक्वल टू कॉस वाई। अब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहां तक तो आ गया है। अब माइनस वन को इधर भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए अगर डिफ्रेंशिएशन किया तो ये जीरो हो गया, ये माइनस लगा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, दिस इज सेकेंड फंक्शन, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन साइन वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई वाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है डी वाई वाई डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन वाई का cos y into differentiation of second cos y और dy by dx, ये आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये dy by dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ आपको मिलेगा sin y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इज इंटू कॉस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब आपको आपको तो निकालना है वैल्यू इनका, डी टू वाई का वैल्यू क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आपको निकालना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव को एक साइड में करिए, बाकी दूसरे के दूसरे साइड में, ये माइनस तो इंटू होकर के खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है, इस साइड में जीरो है, ये माइनस तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ लिखेंगे साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, क्या माइनस, ये कर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस वाई। फिर हमें इसका वैल्यू चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई का उधर डिवाइड कर देंगे। और एक बात करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है उसको भी रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, माइनस का कॉसेक वाई। ध्यान से समझिए, यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आएगा वन अपॉन साइन वाई माइनस का, तो माइनस का वन अपॉन साइन वाई क्या होगा, कॉसेक वाई हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन साइन वाई क्या होगा, कॉसेक वाई हो जाएगा। यार इसको इक्वेशन वन कर दीजिए, अभी इसको यूज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे यहाँ यूज करिए, तो ये तो माइनस है ही, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यानी क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर वाई लिखोगे। ये माइनस ये वाला, ये तो माइनस में होल स्क्वायर में तो प्लस हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर इंटू कॉस कॉस वाई, इंटू क्या है कॉस वाई, तो यहाँ लिख दो इंटू कॉस वाई। ठीक ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको, एक कॉसेक अगर हम ले लें यहां से स्क्वायर से, तो एक कॉसेक वाई है इंटू, एक कॉसेक को वन अपॉन साइन कर सकते हैं, तो वन अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा,
cot y हो जाएगा, ठीक है। इसको आप आसानी से समझ लीजिए कि cot y into cosec square y कैसे आ रहा है, ठीक है। dy by dx का होल स्क्वायर यहां पर हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ साइन वाई, यहीं से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसको देख लीजिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया इंटू कॉस वाई। तो जब हम इसको ट्रांसफर किए इधर, एक मिनट, एक चीज हाँ ठीक तो है, एक चीज हम छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं बताइए। ये कॉसेक स्क्वायर वाई रहने दीजिए, एक साइन वाई यहां भी तो डिवाइड होगा, ओके। ये साइन वाई जो यहां इंटू में है, ये यहां डिवाइड हो जाएगा, तो अपान साइन वाई पहुंच जाएगा। ये अब सही है, ध्यान से देखिए, वो हम इसको इसको इसका भी ध्यान दीजिए ना, यहां हमने इसको टर्म को लेफ्ट किया मतलब उधर ट्रांसफर किया, तो साइन वाई डिवाइड होकर यहाँ पहुंच जाएगा, इसको कॉट बना देगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, और ये कॉसेक स्क्वायर वाई रहने दीजिए, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, यही आपका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखने को मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो यहीं से आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि लगाने का जो तरीका है वही है। देखिए यहाँ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव के यहाँ वैल्यू रखा जाएगा, और ये वाई का वैल्यू रखा जाएगा, और सबको जब इवेल्युएट करोगे आप तो रिजल्ट जीरो हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमें पता है ई पावर एम एक्स ई पावर एम एक्स होता है इंटू एम और आ जाएगा बस, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर दो टू फंक्शन है ना ई पावर एम एक्स, और इसका करेंगे यही यहाँ भी ये होगा इंटू एन एक्स का करेंगे देन आ जाएगा, ये फर्स्ट टाइम हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा फिर से एक बार एम आ जाएगा, तो एक एम यहाँ एक एम और आएगा ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, इसी तरीके से ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या करना है, आपको इसको यूज़ करना है, तो आ जाइए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, नाउ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों वैल्यू को रख दीजिए और राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे कहीं देखिए वहाँ जगह कम है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो, तो आइए डी स्क्वायर वाई को रखते हैं, मतलब ये रखते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन वन, या इसको वन मानिए, इसको टू मानिए, इसको थ्री मानिए, वन टू थ्री इन लेफ्ट हैंड साइड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन टू एंड थ्री इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो हम यही रखेंगे ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, ठीक है, यही इतना, और माइनस एम प्लस एन, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये ए एम ई पावर एम एक्स, ठीक, ए एम ई की पावर एम एक्स, और प्लस बी एन ई पावर एन एक्स, ठीक, प्लस बी एन ई पावर एन एक्स, ये तो एम प्लस एन ये आ गया पूरा, अब माइनस में है तो एक आप ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस एम एन वाई, एम एन वाई, वाई की जगह पर क्या रखोगे आप, पूरा का पूरा क्वेश्चन ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स, बस अब लाना क्या है, जीरो, चलिए ब्रैकेट को ओपन किया जाए, तो ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस एम का मल्टीप्लाई करें, तो ए एम स्क्वायर एम का एम में मल्टीप्लाई ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, अभी एम का ही कर रहा हूं, तो माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स, ठीक है। अब माइनस एन का करेंगे
तो ए एम एन ई पावर एम एक्स माइनस एन, फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या बचा है, सिर्फ एक लाइन और बची है, प्लस एम एन ए ई पावर एम एक्स, मतलब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ और आगे लास्ट प्लस प्लस बी एम एम एन बी एम एन बी एम एन बी ई पावर एन एक्स ई पावर एन एक्स, यही ब्रैकेट खोल रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत न दिखाइए तो थोड़ा माइंड से आप समझते रहिए, यही ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ए एम स्क्वायर इससे कट रहा है, बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स इससे कट रहा है, बी एम एन ई पावर एम एक्स इससे कट रहा है, और ए एम एन ई पावर एम एक्स इससे कट रहा है। कुछ बचा? कुछ नहीं। तो रिजल्ट विल बी जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स बढ़िया है, इसको आप लोग स्टडी करिए, देखिए क्या है। इफ ई पावर वाई देन प्रूव दैट दिस, तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई पावर वाई एक्स ई पावर वाई प्लस ई पावर वाई इक्वल टू वन, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इसमें हो जाएगा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस ई पावर वाई प्लस ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इक्वल टू जीरो। ध्यान समझिए, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया यहाँ तक। अब ये ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं ई की पावर वाई हर टर्म में है, ईच टर्म में होने की वजह से जीरो से डिवाइड होकर के जीरो हो जाएगा। बचा क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर प्लस वन बचा, यहाँ पर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बचा इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन और ये वाला प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग मिल रहा है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन मिल रहा है, ठीक है। और अगेन डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस वन आएगा माइनस एक्स प्लस वन पावर माइनस टू, तो ये आपको मिल जाएगा नीचे जाने पर, तो ये प्लस भी हो जाएगा। अब हमें लाना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, अब हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स ये होल स्क्वायर है, इसका वैल्यू भी यही है, देख लीजिए आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस प्लस वन, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, यही काम देख लो, माइनस माइनस प्लस वन माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर खत्म आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, अगर इस क्वेश्चन को आप देखिए डिफ्रेंशिएशन है, क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, अगर हो सकता है कोई और दूसरा भी आप उसको अप्लाई करें तो कुछ बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये आप इजी व्यू में देख सकते हैं आसानी से यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब एक क्वेश्चन लास्ट बच रहा है जिसमें वाई वन वाई टू है, तो हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 17 बच रहा है जिसमें वाई वन है वाई टू इस तरीके से अगर है, तो हमने आपको बताया कि वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स और वाई टू का मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।